अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। उम्मीद करती हूँ आप हमारी सारी वीडियोस देखते होंगे और इंजॉय भी करते होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ आ रहा हो, आप कमेंट्स किया करें ताकि मैं उसको मज़ीद इम्प्रूव करके आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आया करूँ। चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी यूनिट्स, टाइप्स एंड ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का एक और नाम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर अब्सॉर्ब्ड व्हेन वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इंडिविजुअल गैसियस एटम इज़ नाउन एज आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि हमारे पास एक न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से, और आयनाइजेशन एनर्जी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी के तीन यूनिट्स होते हैं, किलो कैलोरीज पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जोल पर मोल। मोस्टली आयनाइजेशन एनर्जी को किलो जोल पर मोल में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं। यानी आयनाइजेशन एनर्जी को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इंडिविजुअल गैसियस एटम। यानी कि एक न्यूट्रल एटम जो होगा उसके आउटर मोस्ट शेल से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए 12 किलो जोल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। लीथियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए 572.3 किलो जोल पर मोल, और मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए 738 किलो जोल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। अब नेक्स्ट है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर हमारे पास एक पहले से जो यूनि पॉजिटिव आयन है उसके आउटर मोस्ट में से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आप देखें, मैग्नीशियम में से जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया 738 किलो जोल पर मोल एनर्जी यूज़ हुई। मैग्नीशियम प्लस वन से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो प्लस टू चार्ज आ गया और एनर्जी कितनी यहाँ पे यूज़ हुई 1451। यानी कि इस रिएक्शन को देख के हमें यह आइडिया हो रहा है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होगी, क्योंकि एक ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना थोड़ा फर्दर मुश्किल होगा और उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है कि अगर हमारे पास डुबली पॉजिटिव आयन, यानी पहले से किसी के ऊपर प्लस टू चार्ज है, उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होगी वो होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आप देखें कि एल्यूमिनियम में से जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसके लिए 577.5 किलो जोल पर मोल एनर्जी यूज़ हुई। एल्यूमिनियम प्लस वन से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होके प्लस टू में गया तो 1816.7 किलो जोल पर मोल, और एल्यूमिनियम प्लस टू में से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होके वो जो प्लस थ्री में गया तो 2744 किलो जोल पर मोल एनर्जी यूज़ हुई। यानी कि इस रिएक्शन को देख के हमें ये आइडिया हो रहा है, यानी कि इस रिएक्शन को देख के हमें ये आइडिया हो रहा है कि जब यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मज़ीद हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी।
यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड से ज़्यादा होती है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, सेकंड वन न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड वन शील्डिंग इफेक्ट, एंड फोर्थ वन पेनिट्रेशन एबिलिटी, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन की कितनी पेनिट्रेशन एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में रहने की। यानी अब हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियाडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियाडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स दोनों में डिफरेंट ट्रेंड होता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यानी हर न्यू एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर वाले एलिमेंट की निस्बत डिक्रीज होती जाएगी। इसके रीज़न क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो हर न्यू एटम में एक न्यू शेल ऐड होता है। न्यू शेल ऐड होने से क्या होगा कि आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस के साथ बढ़ जाता है, तो जिस वजह से यही न्यूक्लियस का इतना कंट्रोल नहीं रहता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो आसानी से हम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी। अब हम देखते हैं कि पीरियड्स में क्या ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से। यानी आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इसलिए इंक्रीज होती है कि हर न्यू एलिमेंट जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हर न्यू एलिमेंट में जो होता है वो चार्ज इंक्रीज होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस होगा, शेल तो वही रहेगा, जस्ट न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर इंक्रीज होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करेगा, तो जिस वजह से जो एटॉमिक रेडियस होगा एलिमेंट का वो बहुत कम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस कम होने से मतलब ये है कि इस टाइम न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना मुश्किल होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तभी हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट इन ग्रुप्स आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। आज का हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, इट्स यूनिट्स, टाइप्स एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियाडिक टेबल। आज का टॉपिक बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें हमारे चैनल के बारे में, और हमारी वीडियो को भी लाइक और कमेंट किया करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।